की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार की वैक्सीन नीति से समस्या बढ़ रही है। राहुल के मुताबिक वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करे लेकिन वितरण का जिम्मा राज्य सरकारों को दिया जाए, तो वैक्सीन नीति की वजह से समस्या में बढ़ोतरी। राहुल गांधी का बड़ा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर, वैक्सीन की खरीद जो है वो केंद्र सरकार को करनी चाहिए लेकिन वितरण का जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। तो वैक्सीन का वितरण विकेंद्रित हो, राहुल गांधी का बड़ा बयान। केंद्र की वैक्सीन नीति पर राहुल गांधी ने पूछे सवाल, बड़ा निशाना केंद्र सरकार के ऊपर। वैक्सीन नीति की वजह से समस्या में इजाफा हो रहा है। हमारे सामने वैक्सीन की खरीद केंद्रीकृत हो, राहुल गांधी का यह बयान हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीन का वितरण विकेंद्रित हो, राहुल गांधी का बड़ा निशाना। कोरोना के कहर से आखिर कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवनीत विक, चेयरमैन कोविड टास्क फोर्स एम्स दिल्ली से। डॉक्टर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब ये वैक्सीन की कमी की बात लगातार सामने आ ही रही है और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण हुआ उसमें भी वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, वैक्सीन लगेगी तभी उपचार है, लेकिन वैक्सीन की कमी भी बहुत है। तो ऐसे में जब तक वैक्सीन लगती है आपको, पहली डोज दूसरी डोज, तब तक क्या एहतियात बरतने चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और ये तो लोग कर ही रहे हैं। नहीं, मास्क नहीं कर रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि एकमात्र हथियार सिर्फ मास्क है जी। सीडीसी ने आज बोला कि आप मास्क खोल दीजिए, ये थोड़ा प्री मेच्योर अभी है डिसीजन। अमेरिका में भी ये डिसीजन प्री मेच्योर है। हमें समझना पड़ेगा कि वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है, ये हमें सीवियर डिजीज से प्रिवेंट करती है, ये हमें एसिम्टोमेटिक डिजीज फिर भी हो सकती है, माइल्ड डिजीज फिर भी हो सकती है। तो मेरी तो सीडीसी से भी रिक्वेस्ट है कि पैंडेमिक के टाइम हम भ्रांतियां ना फैलाएं, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम मिलजुल कर आगे बढ़ने का मौका है। हमारे पास जो कुछ भी है, एक हथियार सिर्फ मास्क है। वैक्सीन लगाने का भी के बाद भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वैक्सीन का असर आता है, तो हम ये 3 महीने पैंडेमिक में कैसे काटेंगे? क्या हमारे जी डॉक्टर नवनीत विक, एक जो बात कल भी सामने आई और वो बात ये है कि अब 2 डोजेस के बीच में जो अंतराल है वो 12 से 16 हफ्ते का हो सकता है। उस पर तमाम वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया आ गई है। कोविड के जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं अदर पूनावाला, वो भी कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है वैज्ञानिकों का। लेकिन ऐसे में सवाल उन लोगों के लिए भी उठता है कि जिन लोगों ने 28 दिन पर या 40 दिन पर लगाई है, क्या वो गलत थे या अब जो 12 से 16 हफ्ते पर लगवाएंगे वो ज़्यादा असरदार है? ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मैं कहता हूँ परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है। हम परेशानी क्रिएट नहीं करनी है, हमें चीज को समझ समझ के एक एक बूंद आगे बढ़ना है। हमारा हर चीज से हमें फायदा लेना है। जिस टाइम कंट्री में इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और मैं तो ग्लोबल बात कर रहा हूँ, ग्लोबल भी इतना वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब शुरू हुआ, भारत में तो बहुत, मतलब उन्होंने फूक फूक के कदम रखा, तो इन्होंने जब फूक फूक के कदम रखा तो उसके कारण हमने जो भी सीखा और जो भी समझा उसके कारण ये एक फैसला लिया गया है। मेरे हिसाब से मैं तो पहले भी चाहता था आप 3 महीने के बाद दो, लेकिन ये एक फैसला अच्छा है। इससे वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी और बढ़ेगी और हम ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। फर्स्ट शॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोगों को हम शॉट दे। डॉक्टर नवीत विक, दिक्कत क्या आ रही है, ऐसे मेरे जानकार, मेरे अपने पर्सनल संबंधों में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पहली डोज वैक्सीन की ली थी लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी तो सवाल है ना कि अब आप 12 से 16 हफ्ते इस ड्यूरेशन को कर दे रहे हैं, भाई अगर जाहिर सी बात है कि अगर दोनों डोज लग जाएंगी तो आदमी ज्यादा सुरक्षा के घेरे में चला जाएगा। नहीं, तो वैक्सीन की कमी को, वैक्सीन की कमी है इसलिए एक ये नई रिसर्च आ गई सामने, अभी तक क्यों नहीं थी ये रिसर्च? नहीं नहीं नहीं, आप ये समझिए, वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं है, मास्क ही आपको बचाएगा। हमें सोशल वैक्सीन नंबर 1 है, सोशल वैक्सीन से हमें पीछे नहीं हटना है। हमें मास्क से, मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे सामने वाले ने मास्क पहना है, हम इससे जिम्मेवारी नहीं हटा सकते। ये आज की बात नहीं है, अगले 2-3 साल तक
हमें हटानी पड़ेगी, हमें नंबर्स को कम रखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में नंबर्स को, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम रखना पड़ेगा। गांवों में सुविधाएं कम है, हमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 1% से कम रखना पड़ेगा। गांवों में क्वारंटाइन आइसोलेशन फैसिलिटीज हमें और बढ़ानी पड़ेंगी। डिस्ट्रिक्ट को अपना एक वॉर जोन बनाना पड़ेगा ताकि दिक्कत मेरी एम्बुलेंस, मेरे डॉक्टर सब इकट्ठे मेरी मिलके मेरी उन दिक्कत मरीजों मेरा का सवाल इलाज कर आपसे पाए। यही है डॉक्टर नवीद, कब करना पड़ेगा? गांव में संक्रमण पहुंच चुका है, बुखार की दवा नहीं मिल रही है, अब कब जागेंगे? बिल्कुल, पिछले 1 साल में हमने क्यों नहीं किया? सवाल तो यही है ना। देखिए आप समझिए कि पहली वेव आई, फिर सेकंड वेव आई। पहली वेव में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा और नंबर घट गए, तो हमें फिर दूसरी वेव बहुत तेजी से आई। ये जो वेरिएंट है थोड़ा तेज है, बहुत तेज भागा। दिल्ली में 1 अप्रैल को 1% पॉजिटिविटी रेट था, और यही पॉजिटिविटी रेट आपका 20 अप्रैल को 36% हो गया। तो 20 दिन में 36% बढ़ना, और मैं तो कह रहा हूं 5% से कम रखना है। ये सप्रेस एंड लिफ्ट, जैसे ही नंबर 5% से बढ़े आप उसको सप्रेस कर दो और फिर लिफ्ट करो। तभी मैं अमेरिका को भी बोल रहा हूं कि भाई आप अभी अपने आप को धीरे धीरे खोलो। आपने 25% पे खोला, 50 पे खोला, 75 पे खोला। मास्क अभी पहनने को बोलो, अभी मास्क पहने हटाने को मत बोलो। ये पैंडेमिक में कंफ्यूजन करने का टाइम नहीं है। ठीक है हमें जब 5% आ जाए तो सप्रेस करो, और फिर जब बढ़ जाए तो अब आप लिफ्ट करो धीरे धीरे 25%। और ये 2-3 साल का प्रोसेस है, हमें इसको वन टाइम प्रोसेस नहीं समझना चाहिए, और ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट को, सभी स्टेट को, सभी सबको समझना पड़ेगा। हाँ, मेरा सवाल इसलिए अहम हो जाता है डॉक्टर नवीद विक, अगला सवाल, क्योंकि आप चेयरमैन हैं कोविड टास्क फोर्स के एम्स दिल्ली में। मैं ये जानना चाहती हूँ, तीसरी लहर का जिक्र भी अब शुरू हो गया है, कैसे बचें उस तीसरी लहर से? दूसरी से तो अभी लड़ ही रहे हैं, स्थिति विकट है, तीसरी लहर की बात होने लगी, उससे कैसे बचें? भाई तीसरी लहर आने ही नहीं देनी है। हमें ब्रेक द चेन पे काम करना है। ब्रेक द चेन, डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से कम, गांव में 1% से कम। दूसरा वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीनेशन को हर तरह से प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाना है। और तीसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा रखना है, आज के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल, क्या हम बड़े फैसले ले सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल को क्या हम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो गांव के साथ भी लिंक हो जाए और सीएचसी के साथ भी लिंक हो तो जाए, ये और कौन वहां पे जो करेगा, हमारे ये फैसला किसको लेना है, जो आप इस समय? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको मिलकर, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट, इन सबको मिलके करना पड़ेगा। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट की शान बनानी है, अपने लोकल सिविल इसकी हॉस्पिटल इस को। ये जो आप सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर नवीद, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो एक चिट्ठी चलाएगा, तब वो मुख्यमंत्री तक जाएगी और फिर नो केंद्र नो तक। नो नो, ये सबको मिलके फैसले करने पड़ेंगे। ये बिकॉज हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने का ये आखिरी मौका है। अगर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज सुधार पाए तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नवीद, जिस तरीके से आज गोवा मेडिकल कॉलेज में आपने सुना ही होगा लोगों की मृत्यु हुई है, ऑक्सीजन डिप कर गई वहां पर, गोवा में तो जो लहर आई वो 15 से 20 दिन बाद आई, दिल्ली में उससे पहले ही आ चुकी थी, लगभग 15 दिन पहले हमने देखा था कि एकदम कहर हो गया था। ऐसे में क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या आप मैं फिर ऑक्सीजन का बोल रहा इतना इंतजाम ही हूं, नहीं हो पाया कि ऐसे मरीजों की जान जा रही है? पहले 23 की गई थी, आज 11 की चली गई। देखिए हमें पहले महाराष्ट्र में आया, फिर आपका केरला में आया, फिर दिल्ली में आया, तो ये फैलता है ऐसे, ये ऐसे फैलता है। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉर जोन बना के हर डिस्ट्रिक्ट को इंश्योर करना पड़ेगा, मेरे पास कितने बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन वाले बेड हैं, मेरे गांवों में कितने क्वारंटाइन बेड हैं, मेरे पास कितने आइसोलेशन बेड हैं, और उसी तरह मुझे अपनी ऑक्सीजन कितनी यूज करनी है, उसकी अवेलेबिलिटी। अब तो आगे बढ़ गए हम बहुत, और नंबर जैसे ही कम होंगे, नंबर कम होंगे तो फिर हमें कोताही नहीं बरतनी है, हमें फिर भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम करना है कि कभी ऐसी हमें ये देखने को मत मिले। जी डॉक्टर नवीद, क्या आपको लग रहा है कि ये पीक हमने छू ली और अब हम डाउनफॉल पर हैं, या अभी लग रहा है कि अभी चांसेस हैं कि एक बार फिर बढ़े? फिर मैं बोल रहा हूं, हमें पीक में नहीं घुसना है, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम रखना है, और मैं तो 1% करना चाहता हूं। कि जब तक हम, जैसे ही 5% से बढ़ा, मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। ये हमें माइक्रो लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, नहीं तो तूफान आ जाएगा। जैसा तूफान आया, मतलब आसान नहीं था इसको संभालना। बिल्कुल, अभी जब हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और सेंटर के साथ मिलके जितने ये लोग काम कर रहे हैं, अभी कोताही ना बरतें, हर डिस्ट्रिक्ट में इंश्योर करें कि 5% से कम है, तभी
नहीं, हम नंबर कम कर पाएंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे, तो डॉक्टर लेकिन नवीन फिर ये ये जो ना, नंबर कम करने की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बीच में काट के अपना सवाल जोड़ रही हूँ उसमें, कि जो नंबर काम करने की बात आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन क्या लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है इस नंबर को कम रखने का? आप कह रहे हैं हर जिले को 1% तक लेके आना है ये संक्रमण, क्योंकि जैसे ही फिर खुलेगा लॉकडाउन, फिर लोगों का मिलना जुलना शुरू और फिर फैलेगा संक्रमण। तो यही तो समझना है, हमने फर्स्ट वेव के बाद एकदम भारत नहीं खोल दिया था, हमने पहले 25% पे खोला, फिर 50% पे खोला, फिर 75% पे खोला। यूके ने कैसे खोला, उन्होंने भी 25-50 और अब वो पूरा खोलना चाह रहे हैं, लेकिन खोलने से डर रहे हैं। देखो हमें डर है, अभी ये वायरस फैला हुआ है और अभी कंट्रोल में नहीं आया है, 100% वैक्सीनेशन भी नहीं है, 100% वैक्सीनेशन एफिकेशियस भी नहीं है, तो हमें डर डर के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ सप्रेस एंड लिफ्ट, लिफ्ट धीरे धीरे करो, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, 2-3 साल का प्रोसेस है। हमें ये नहीं समझना चाहिए आज नंबर कम हो गए तो हम अब कुछ भी कर लें, तो हमें धीरे, और लेकिन देश की इकोनॉमी भी तभी बढ़ेगी जब हम उसको धीरे धीरे खोलेंगे, नंबर कंट्रोल में रहेंगे, तो देश की इकोनॉमी को हमें भाई बेरोजगारी नहीं होने देनी है, हमें इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें हर किसी के रोजगार को बढ़ाना है। उसका अभी यही तरीका है कि हमें अपने अस्पतालों में आईसीयू बेड्स को चाहे हम जितना बढ़ा लें, अगर नंबर बढ़ेंगे तो हम आईसीयू बेड में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर हम नंबर घटाएंगे तो वेरियंट भी नहीं होगा और म्यूटेशंस भी कम होंगी, और हम नंबर्स को कम रखना हमारा मेन है। मैं ब्रेक द चेन, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इतना बढ़ा दो कि हर तरह की बीमारी के लिए मरीज का एक्सेस टू केयर और क्वालिटी ऑफ केयर बढ़िया मिले। आपको आपका जो आकलन है, क्योंकि आप टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं आप, आपको क्या लग रहा है अभी कितने दिन हमें और लगेगा तब जब हम इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की स्थिति में आ पाएंगे, जो अभी तक पिछली जो रिसर्च या और देशों का जो आंकड़ा आपके सामने मौजूद है उसके हिसाब से? ये हर डिस्ट्रिक्ट की मेहनत है, हर डिस्ट्रिक्ट वाले मिलकर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करके नंबर्स को कम रखेंगे, और मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर में किसी को मत होने दूं। भाई मैंने भी अपने घर में लोगों को किया है और फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ है, हर घर में कुछ ना कुछ हुआ है, तो मेरी सबसे बड़ी, मैंने मास्क नहीं पहना है भाई, मैंने नहीं पहना है, मुझे समझना पड़ेगा। मतलब हमें अपने घर वालों को, अपने पास में काम करने वालों को बचाना है, ये वायरस बहुत तेजी से फैली है, 20 दिन में फैली है ये, तो हमें रोकना है किसी भी तरह से, अभी हमें रोक के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पहले 25% खोलिए, फिर 50% खोलिए, फिर 75%, और बढ़ गया तो फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाइए। मैं लॉकडाउन पूरे लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट में लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे हम खोलेंगे फिर हम बढ़े आगे, फिर रोके, फिर बढ़े, फिर आगे, तो ये एक दिन की बात नहीं है, और पैनिक नहीं करना है प्लीज, हमें पैनिक हटाना है। ये बीमारी का इलाज 95% हम घर में ही कर सकते हैं, अगर हम अपने लोकल डॉक्टर के साथ लोकल कांटेक्ट में रहेंगे, तो स्टे एट होम एंड स्टे लोकल, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं घर पे रहूंगा तो मैं किसी को बीमारी नहीं करने दूंगा, अगर मैं लोकल ही इलाज कराऊंगा तो मेरा डॉक्टर मेरे कॉन्टेक्ट में है, मैं 2 दिन उससे बात करूं और जब मुझे जरूरत है मैं तभी अस्पताल जाऊं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। बिल्कुल डॉक्टर नवीत, जिस तरीके से ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एक नई समस्या अब जो निकल कर आ रही है ग्रामीण भारत से, वो दिक्कत ये आ रही है कि गंगा नदी में या जो दूसरी नदियां हैं उसमें शव बह बह के आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है और लोगों ने उनको उनके शव को प्रवाहित कर दिया है, जल प्रवाहित कर दिया है, तो ये एक बड़ी चुनौती बड़ा एक रहने वाले है अब सभी राज्यों के लिए? देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जब सीवियर रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन लगाते हैं तो नंबर कैसे कम होते हैं, नंबर कम से कम 10 से 20 दिन में कम होते हैं। दिल्ली में 24 दिन के बाद 36% से हम 14% पे आए हैं, मतलब 26 दिन में सॉरी हम 24 दिन में 36% से 14, तो नंबर जब कम होते हैं लेकिन उन दिनों में आपकी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, जैसे वो 10 से 20 दिन में नंबर कम आना शुरू होते हैं तो 18 से 36 दिन में आपकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम होनी शुरू होती है। ठीक है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये
अभी अगले 4-6 हफ्ते हम सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा के, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा के नंबर्स को कम कर लें और उसके बाद मोर्टेलिटी को भी कम कर लें, और उसके बाद हम धीरे धीरे खोलें, पहले 25% पे, फिर 50% पे, और जैसे हमें लगे बड़ा है फिर हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करा दें, लेकिन हमें अपने देश की इकोनॉमी को सबको मिलके बढ़ाना है। भाई ये बहुत बहुत मुश्किल फैसले हैं, ये कोई आसान नहीं है। बेरोजगारी नहीं होने देनी है, मतलब बच्चों का ख्याल रखना है जी और बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ये बड़ा बिल्कुल बहुत सही बात बहुत है, मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। जान भी ज़रूरी है, जहान भी ज़रूरी है, लेकिन जान पहले ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सभी को एहतियात बरतना है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नागरिकों की जिम्मेदारी भी ऐसे में बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर नवीद आप बने रहिए, वक्त क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन लौट के आ रहे हैं। डॉक्टर नवीद हमारे साथ बने हुए हैं, चेयरमैन कोविड टास्क फोर्स के एम्स दिल्ली से। डॉक्टर नवीद, अब जब ये कोरोना के आंकड़े कम करने की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1% से कम हमारा जो एफिके रह जाए, जो संक्रमण की दर है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब अगर अब से 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद जब लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जाएगी, तो क्या ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो शादी ब्याह के आयोजन है उनको सीमित रखा जाए अगले साल 2 साल तक, जितने भी इस तरीके के कार्यक्रम हैं? नहीं, और ये सरकारों की तो भी जिम्मेदारी है कि कितने भी चुनाव आए अगले 6 महीने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का चुनाव है, तो कम से कम उस तरीके से चुनाव प्रचार ना किया जाए जैसे इस समय किया जा रहा है, था रैलियां इकट्ठी कर करके, भीड़ इकट्ठी करके। देखिए, जैसे अमेरिका आज बोल रहा है कि आप मास्क भी पहनना बंद कर दो जिनको वैक्सीन लग गई है, तो ये सब वायरस के ऊपर डिपेंड करता है। वायरस कैसे म्यूटेट करेगा, ये ज़्यादा इन्फेक्टिव होगा कि कम इन्फेक्टिव होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें वक्त के साथ पता लगेगा। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से मतलब बीमारी आई, इसी तरह कई जगह न्यूयॉर्क में, इटली में बहुत तेज़ी से कई बार बीमारी आई, फिर वो बैठ गया नीचे, तो फिर वो बैठा रहा लेकिन फिर वो दोबारा आएगा। तो हमें बड़ी समझदारी के साथ इन सभी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे पहले, सबसे पहले मुझे जिम्मेवार बनना पड़ेगा कि मैं किसी को मत होने दूं, और उसके बाद बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, ताकि हम ब्रेक द चेन पे ही सिर्फ काम करें लेकिन देश को भी आगे बढ़ाएं, लोगों की जान भी बिल्कुल बचे। नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है, जो लोग नीतिगत फैसला लेते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर अब ये संक्रमण दर थोड़ी कम आती है और लॉकडाउन में ढील दी जाती है तो हर आदमी संयम रखे, समाज का हर आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीद, बहुत अहम बातचीत आपके साथ रही, आपने समय निकाला एबीपी न्यूज के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।